देखना, देखो यार, अगर ध्यान रखोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो सर देखो इतने समझदार तो हम भी हैं कि ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है ना बेटा, कैंसिल होगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी। तो क्या सर ये अच्छा फॉर्मूला बन गया? हाँ, अपने फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बन गया। और सर इन्हीं दो इक्वेशन को माइनस करें तो देखना यार बेटा, बता कॉस ए माइनस बी क्या होता है। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है सर, और बता कॉस ए प्लस बी क्या होता है। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और सर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस करा रहे हो तो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो सर अपने पास फाइनल आंसर क्या बचेगा? यार मेरे पास थोड़ा सा फाइनल आंसर कुछ ऐसा बच रहा है, तो बच्चे समझना चाहें तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये से ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया तेरे पास, टू साइन ए साइन बी। वाह यार सर मजा आ गया। तो क्या सर ये लिखना है हमको? हाँ बेटा, पहले ये पूरा लिख, फिर अपना एमपी ले लेना बेटा, है ना बेटा। तो बक्से में ये है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इंटू चल रहा है, हाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर तो क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना बेटा। उसके अलावा अपन ने क्या फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं सर, टेन ए प्लस बी अच्छे से याद है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। सर टेन ए माइनस बी भी अच्छे से याद है, जो कि होता है टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। सर हमको कॉस टू ए के फॉर्मूलेज भी याद है, जो कि होते थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होते थे टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, जो कि होते थे वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और भी होता था, अगर इतना भी लिखे तो भी चलेगा। तो सर फॉर्मूले का जमघट चल रहा है क्या? हाँ बेटा, साइन टू ए का जो सबसे बड़ा मेन फॉर्मूला है वो होता है टू साइन ए कॉस ए, और टेन टू ए का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो क्या सर ये सब फॉर्मूले हम लिखे? हाँ लिखे ना बेटा। पहले तो स्टार्ट कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है कॉस 45 माइनस ए, कॉस 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए साइन 45 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए प्लस बी, ये प्रूफ करना है। मैंने बोला भाई सब मेरे को घुमा मत, इस पूरे को अगर मैं पी ले लूं, इस पूरे को क्या ले लूं क्यू, और इस पूरे को वापस से क्या हो गया पी, और ये पूरा क्या हो गया क्यू, तो मैनू 10 आराम से, हाँ बहुत आराम से बात करूं तो क्या ये कॉस पी कॉस क्यू माइनस साइन पी साइन क्यू चल रहा है क्या? हाँ यार सर, ये तो कॉस पी कॉस क्यू माइनस साइन पी साइन क्यू चल रहा है। और अगर ये ऐसा चल रहा है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कॉस पी प्लस क्यू, कॉस क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू। अभी तो तूने एंट्री लिखी सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस पी प्लस क्यू। सर इस पूरे को आपने क्या मान लिया पी, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया क्यू, इस पूरे को मान लिया पी, इस पूरे को क्या मान लिया बेटा क्यू। अब अगर तू मुझे थोड़ा सा अलाउ कर तो मैं क्या करूंगा, कॉस पी प्लस क्यू, तो कॉस 45 माइनस ए प्लस
45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी, क्योंकि सर ये आपका पी है तो ये आपका क्या है क्यू, तो सर अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 कितना 90 माइनस ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी। अभी सर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्लास 10 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। अब सर बच्चों कहाँ अटकेंगे, सर एक बार फिर चले बेटा कैसे गेम चलाएं अपन, अगर अपन गेम चलाएं ऐसा कुछ तो अपन गेम कैसे चलाएं, साइन एन प्लस वन ए क्या आगे क्या है बेटा, साइन एन प्लस टू ए उसके बाद क्या है, प्लस कॉस एन प्लस वन ए कॉस एन प्लस टू ए इज इक्वल टू, इन्होंने बोल दिया प्रूफ करो कॉस ए। मैंने बोला क्या बोल रहे हो यार ऐसा क्वेश्चन, लेकिन सर मेरे बच्चे भी समझदार हैं, मेरे बच्चों के पास भी दिमाग तो है, बोले सर देखो इस पूरे को मान लेते हैं पी, पूरे को मान लेते हैं क्यू, इस पूरे को मान लेते हैं पी, इस पूरे को मान लेते हैं क्या क्यू, कम ऑन कम ऑन। तो सर चल क्या रहा है, सर देख लो आप ढंग से, कॉस पी कॉस क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू, कॉस पी कॉस क्यू प्लस कितना बेटा साइन पी साइन क्यू, तो कॉस पी कॉस क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू। सर आपने फॉर्मूला सिखाया है कॉस पी माइनस क्यू, कॉस कितना पी माइनस क्यू, तो मैनू दस, इससे क्या हो जाएगा सर, सर अपन कर देंगे कॉस, बता पी का मतलब क्या था, सर पी का मतलब था एन प्लस वन ए, एन प्लस वन ए, और क्यू का मतलब क्या था एन प्लस टू ए, ठीक है ना बेटा, तो क्या था कॉस पी माइनस क्यू हो गया था ना बेटा पिछले क्वेश्चन जैसे ही, तो कॉस कितना हो गया पी माइनस क्यू, तो एन प्लस वन ए माइनस ऑफ एन प्लस टू ए, तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस, अगर आप करोगे तो एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस कितना टू ए, ठीक है सर, एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस टू ए, तो सर एन ए से एन ए क्या हो गया कैंसल, एन ए से एन ए क्या हो गया कैंसल, तो ये कॉस क्या बच गया ए माइनस टू ए, तो सर ए माइनस टू ए कितना हो गया कॉस ऑफ माइनस ए। इसी के साथ तेरा नया फॉर्मूला बनता है जो तेरे को ट्रिग्नोमेट्री में आते से ही समझना पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सर इसका मतलब कॉस के अगर एंगल के आगे नेगेटिव भी अंदर लगा हुआ है तो वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव, क्या ये सर ट्रिग्नोमेट्री का अद्भुत रूल है, बट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूला, साइन के साथ ऐसा नहीं होता, अगर तू साइन ऑफ माइनस थीटा कर रहा है तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अगर तू टेन ऑफ माइनस थीटा कर रहा है तो वो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ओके सर समझ में आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, सिर्फ कॉस से डर नहीं लगता, तो अपन सब हाथ पे हाथ रख के बोलेंगे कॉस से डर नहीं लगता साहब, साइन से लगता है, कॉस से डर नहीं लगता क्योंकि कॉस में अगर नेगेटिव होगा तो भी वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सर कॉस से डर नहीं लगता, कॉस में नेगेटिव दोगे तो भी वो क्या रहेगा पॉजिटिव, लेकिन अगर साइन में नेगेटिव आएगा टेन में नेगेटिव आएगा तो साइन अपने को बाहर लेनी पड़ेगी। सर क्या ये फॉर्मूला ही है, हाँ यार बेटा सदियों से चला हुआ फॉर्मूला है, तो अपने को आज भी उस फॉर्मूले को इफेक्ट करना पड़ेगा, तो ये तेरे पास क्या हो गया कॉस ए, तेरे पास ये कितना हो गया कॉस ए, तो कॉस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट कॉस ए। तो सर क्या, तो मान जाऊंगा कि मजा आ गया सर, कैसा साइन स्क्वायर पाई बाय एट प्लस ए बाय टू माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय एट माइनस ए बाय टू इंटू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू साइन ए। और बेटा पाई का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है, पाई 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 का मतलब कितना होता है 180, तो सर क्या हम इसको ट्राई कर सकते हो डिवाइड, सर पाए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पाए का मतलब तो होता है 180, ठीक है बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, सर ये क्या होता है, सर आपने अभी सिखाया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी,
साइन ए प्लस बी इंटू कितना, साइन ए माइनस बी। ठीक है सर, समझते हैं आपकी इस बात को भी। तो सर साइन के बारे में बात क्या करें, साइन पी प्लस क्यू। तो साइन पी प्लस क्यू मतलब क्या, आराम से, बहुत आराम से, पी का मतलब क्या, पाई बाय एट प्लस ए बाय टू प्लस पाई बाय एट माइनस ए बाय, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय एट प्लस ए बाय टू माइनस पाई बाय एट माइनस कितना, ए बाय टू। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो सर साइन दिस इज पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। तो बच्चों को अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो मुझे शायद इब्राहिम ने फोटो भेजा है इस क्वेश्चन का। सर इसमें क्या हुआ, ये से ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है सर, समझते हैं आपकी बात। और यहां पे क्या हुआ, ये से ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, साइन पाई बाय एट प्लस पाई बाय एट। तो सर सर साइन पाई बाय एट प्लस पाई बाय एट कितना हो जाएगा, टू पाई बाय एट। और यहां पे क्या बच जाएगा, साइन ए बाय टू माइनस माइनस प्लस, तो साइन टू ए बाय टू। एक तरफ क्या बच गया, साइन टू पाई बाय एट, और एक तरफ क्या बच गया, साइन टू ए बाय टू। तो सर ये वन जा, ये फोर जा, ये टू से टू कैंसल। अब सर आपने पाई का मतलब पहले ही बता के रखा है, पाई का मतलब क्या होता है, 180। पाई का मतलब क्या होता है, 180। तो सर ये हो गया पाई मतलब 180, तो साइन 180 बाय 4 इंटू कितना, साइन है, साइन 180 बाय 4 इंटू कितना, साइन है। तो ये अल्टीमेटली आ गया साइन 45। ये कितना गया, साइन 45। तो साइन 45 का मतलब क्या हो गया, 1/√2, और ये कितना हो गया, साइन है। ये हो गया तेरे पास 1/√2 साइन, 1/√2।